तत्तापानी में सतलुज में डूब रहे व्यक्ति के प्राण बचाने वाले बहादुर 16 वर्षीय राहुल रैना को स्थानीय विधायक हीरालाल 10,000 की नकद राशि देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही वह इस बहादुर को राष्ट्रपति अवार्ड दिलाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर चुके हैं। आज तत्तापानी के समय सतलुज नदी में एक युवक बाई चांस गिर गए और बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। राहुल रैना ने जब ये घटना देखी तो तुरंत उन्होंने जो है नदी में कूद करके उस व्यक्ति की जान बचाई और अपनी जान को जोखिम में डाल करके उसने एक साहसिक कार्य किया है। और इस साहसिक कार्य के लिए मैं राहुल रैना को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसको इनाम दिलाएंगे और साथ साथ हम उसे राष्ट्रपति का एक अवार्ड मिले ऐसा भी हम उनका नाम जो है हिमाचल सरकार से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से वो दिल्ली में भेजेंगे और उन्हें हम पूरा सम्मान देंगे। और इसके लिए मैं राहुल रैना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपनी ओर से राहुल रैना को उसकी बहादुरी के लिए 10,000 रुपये इनाम तौर पर उसे मैं दूंगा ताकि ऐसा साहसिक कार्य के लिए उसका साहस बना रहे। तत्तापानी पंचायत उप प्रधान बाबूराम शर्मा के अनुसार पंचायत द्वारा भी प्रस्ताव पारित करते हुए राहुल रैना को राष्ट्रपति अवार्ड मिले इसकी सिफारिश की जा रही। गत दिनों हमारे तत्तापानी पंचायत में राहुल रैना जो कि प्रेम रैना जी के पुत्र हैं ने सतलुज नदी में डूबते व्यक्ति के प्राण बचाए हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर बेमिसाल बहादुरी दिखाई है। इनका नाम हम तत्तापानी पंचायत की तरफ से राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भेज रहे हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करेंगे कि इस बच्चे को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाए ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि राहुल रैना की बेमिसाल बहादुरी को लेकर जहां करसोग की अनेकों समाजसेवी संस्थाओं ने पुरस्कार देने की आवाज़ बुलंद की है, वहीं जिला मंडी की अनेक संस्थाओं ने भी पुरस्कार देने के प्रयास तेज किए हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो राहुल रैना है वो तत्तापानी का एक छोटा सा लड़का है, 16 वर्ष का ये लड़का है और इसने एक व्यक्ति जो शाकरा पंचायत का रहने वाला है उसने सतलुज में छलांग लगाई थी और छलांग लगाने के बाद जैसे ही लड़के ने देखा, लड़के ने भी बहादुरी का परिचय देते हुए सतलुज में छलांग लगाकर उस व्यक्ति को बचाया। उसके लिए उसने बहुत बहादुरी दिखाई, बहादुरी का काम किया है और उस व्यक्ति को बचाया जिसको बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो ऐसी बहादुरी और साहसी व्यक्ति के लिए हमारी ओर से, प्रशासन की ओर से विशेष रूप से उनको ये जो राष्ट्रीय बहादुर अवार्ड है और हमारे स्टेट लेवल के अवार्ड है उसके लिए उसको नामित किया जा रहा है। यहाँ से रिप्रेजेंट करके हम रिकमेंड करके उसको आगे भेज रहे हैं और जिस ढंग से उसने वो काम किया उसके बाद भी उसको CPR देके उसकी हार्ट बीट को दोबारा चलाया, उसको होश में लाया, उसके बाद सुनने वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हुआ और जान बचाई, तो उसको राष्ट्रीय बहादुरी अवार्ड के लिए ही और इससे कम उसके लिए कोई ऐसा अवार्ड मुझे नहीं लगता कि हमारे देने लायक है। तो हम चाहेंगे कि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उसे अवार्ड मिले। इसके लिए मैं उनके माता पिता और समस्त वहाँ के तत्तापानी के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक अनमोल जान को जिसको बचाना बहुत मुश्किल था उसको बचाया है। करीबन 6:30 बजे मैं ऊपर टेरेस में खड़ा था और यहाँ पर बहुत सारी औरत चीखने लगी, तो मैं एकदम ऊपर से भाग के आया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं देखा यहाँ पर एक आदमी डूब रहा था। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, वो रिस्पॉन्स को नहीं दिया था, तो मैं इस गेट से पानी में कूद गया। जैसे आप देख सकते हैं पानी का फ्लो बहुत है, तो वो बहुत तेज़ी से आगे आगे जा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था और पानी में नीचे डूब रहा था। तो जब मैं यहाँ से कूदा तो यहाँ पर इधर मैंने उसको पकड़ा और यहाँ से पानी को काट काट के, पानी बहुत ठंडा है और पानी को काट काट के फ्लो
देख रहे हैं, तो फ्लो को काट के उसको वहाँ पर किनारे में लगा दिया। तो किनारे में लगाने के बाद एक दो आदमी ने मेरी मदद की और मैंने उस जेटी के ऊपर लिटा दिया। वहाँ पर अनकॉन्शियस था और उसको सांस नहीं आ रही थी, तो एकदम मैंने स्कूल में पढ़ा था कि अगर सांस नहीं आ रही तो CPR परफॉर्म करना चाहिए, जो कि चेस्ट में प्रेशर दे के उसमें फिर लंग्स रिस्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस जेटी में लिटा के CPR परफॉर्म किया। करीबन 10-15 मिनट CPR देने के बाद उनको कफ आया और वो सांस लेना शुरू किया। मेडिकल हेल्प आने के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए और वो अब ठीक है।